आज मैं शुरुआत मोदी जी के एक कोट से करना चाहता हूं। मोदी जी ने एक किताब लिखी थी, कर्मयोगी बाय नरेंद्र मोदी, और उनकी स्पीचेस जो उन्होंने गुजरात के ब्यूरोक्रेट्स को दी थी, उन भाषणों में से मैंने कोट निकाला है। मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि यहां संविधान की बात हो रही है, अंबेडकर जी की बात हो रही है, और इस कोट से हमारे प्रधानमंत्री जी की विचारधारा, उनकी थिंकिंग, उनकी सोच बहुत सफाई से दिखाई देती है। जो टॉयलेट्स को साफ करता है, जो गंद उठाता है, उसकी क्या स्पिरिचुअलिटी होती है? किसी ने स्पिरिचुअलिटी महसूस की है जो वाल्मीकि समाज का एक व्यक्ति टॉयलेट साफ करते हुए महसूस करता है? नहीं, सुनिए सुनिए, वो काम जो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति करता है, वो अपने पेट को भरने के लिए नहीं करता है। वो इस काम को सालों भर नहीं करता अगर वो सिर्फ ये काम अपने पेट को भरने के लिए करता। कहीं ना कहीं वो ये काम करना छोड़ देता, मगर वो ये काम इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए काम करता है। उसके जो माता पिता थे, वो आसानी से इस काम को छोड़ सकते थे, मगर उन्होंने ये काम नहीं छोड़ा क्योंकि उनको इस काम से स्पिरिचुअलिटी मिलती है। ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच है कि वाल्मीकि समाज का जो व्यक्ति टॉयलेट को साफ करता है, वो पेट भरने के लिए नहीं करता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए करता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनका कोट है, मेरा नहीं। अब देख, नहीं ऐसे मत बोलिए, क्योंकि हम, देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम किसी के बारे में मुर्दाबाद नहीं कहते, मगर जो उनकी विचारधारा है, देर नहीं भैया, ऐसे मत बोलिए, जो उनकी विचारधारा है नरेंद्र मोदी की, हिंदुस्तान के हर दलित को, हर गरीब को, हर व्यक्ति को समझनी है। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि जो टॉयलेट को साफ करता है, जो गंद उठाता है, वो ये काम अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए करता है, पेट भरने के लिए नहीं करता है। ये हमारी प्रधानमंत्री की सोच है। मेरे पास एक व्यक्ति आए कुछ दिन पहले, मुझे कहते हैं मोदी जी से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं उनको जवाब नहीं दे पाया। सवाल क्या था? मोदी जी ने इस व्यक्ति से पूछा, देखिए मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, हिंदुस्तान के दलित मुझसे गुस्सा क्यों है? जहां भी मैं जाता हूं, मैं अंबेडकर जी की मूर्ति पर माला लगाता हूं, हिंदुस्तान के दलित मुझसे गुस्सा क्यों है? मोदी जी, हिंदुस्तान के दलित आपसे गुस्सा इसलिए हैं क्योंकि यह आपकी विचारधारा है। आप जितनी बार भी अंबेडकर जी के सामने फूल लगाओ, जितनी बार भी इनके मूर्ति पे माला लगाओ, इस विचारधारा के साथ उनकी आप इज्जत कभी नहीं कर सकते हो।
और हर दलित, हिंदुस्तान का हर दलित इस बात को समझता है, जब वो नरेंद्र मोदी जी की ओर देखता है वो समझता है कि इस व्यक्ति में, इस व्यक्ति के दिल में हिंदुस्तान के दलितों के लिए, हिंदुस्तान के कमजोर लोगों के लिए, हिंदुस्तान के महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ऊना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां भी आप देखो दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। ऊना में हिंसा होती है, और वो व्यक्ति जो टॉयलेट साफ करने में स्पिरिचुअलिटी देखता है, उस व्यक्ति के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में आवाज उठाई, तीन दिन बाद स्टेज में आते हैं, आंसू निकल आते हैं। और फिर पीछे से दलितों को दबाने का काम, पैर काटने का काम। इस देश में दलितों की, गरीबों की, महिलाओं की रक्षा कौन करता है, क्या करता है? सीधी सी बात है, ये जो संविधान है ये इन सब की रक्षा करता है। और इसको, यहां संविधान को कांग्रेस पार्टी ने और अंबेडकर जी ने लिखा और हिंदुस्तान को दिया। जो भी हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सब इंस्टीट्यूशंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना इस देश में ना आईआईटी बनती, ना आईआईएम बनता, ना आईटी बेंगलोर बनता, ना राज्यसभा, ना लोकसभा, कुछ नहीं होता। अगर इस देश में इंस्टीट्यूशंस पैदा हुए हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, तो नींव कॉन्स्टिट्यूशन है। और आज हमारे सब के सब इंस्टीट्यूशंस में एक के बाद एक आरएसएस के विचारधारा के लोगों को डाला जा रहा है।